थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ए एम टी वी प्रो। माय नेम इज तिलक और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने मोबाइल को एज ए वेब कैम आप कैसे यूज करें। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, तो अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप है उसके अंदर वेब कैम नहीं है तो अपने मोबाइल के थ्रू आप अपने डेस्कटॉप पर आप वेब कैम यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पहले से लैपटॉप है और उसके अंदर जो कैमरा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल को एज ए वेब कैम यूज करके उसमें अच्छा आउटपुट आप ले सकते हैं। तो काफी यूजफुल ट्रिक होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं मैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे इसी तरह के नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आगे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूंगा। तो सॉफ्टवेयर का नाम है ड्रॉइड कैम, तो मैं ये टाइप कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर खुल गया है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, तो मैं उनको एग्री कर लेता हूँ। आप पढ़ के आप उनको अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस ऐप का। अब हम चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे जहाँ पर मेरे को इसका क्लाइंट वर्जन डाउनलोड करना है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप यूएसबी की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने डेस्कटॉप से अपने मोबाइल में यूएसबी कनेक्टिविटी कर आप इस वेबकैम को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप वाईफाई नेटवर्क पर रहकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके मोबाइल में और आपके सिस्टम पर सेम अगर वाईफाई नेटवर्क है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, यूएसबी का और आपके पास वाईफाई का। तो आ गए अब हम अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर जहाँ पर मैं गूगल क्रोम ये खोलकर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो टाइप करूँगा वो है ड्रॉइड कैम क्लाइंट। जो सबसे पहले आपको ऐप दिख रही है ये आपको डाउनलोड करना है। इसका मैं लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकें। ये स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। और iOS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये सेम ऐप आप, और Android के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड लगा दिया है। कुछ परमिशन आपको मांगेगा जिसको आपको अलाउ करना है, आप वो पढ़ सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हो गया मेरे सिस्टम पर डाउनलोड। मैं इसे खोल लेता हूँ और आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस रहेगा। और अब आपको यहाँ पर जो मेरे इस पर आईपी एड्रेस मेंशन है मोबाइल पे, वही सेम आईपी एड्रेस आपको टाइप करना है अपने पीसी पर, पीसी सी जहाँ पर आईपी एड्रेस का ये ऑप्शन दिया है। तो ये मैं टाइप कर लेता हूँ, और ये टाइप करने के बाद आपको बस ओके पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ना, अब मेरा जो मोबाइल है एज ए वेब कैम काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरे मोबाइल की फुटेज है वो मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी ऐप है मीटिंग की ऐप जहाँ पर आपको वेब कैम की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपके पास सिस्टम है या आपका वेब कैम इतना एफिशिएंट नहीं है, आपको अच्छी क्लियरिटी चाहिए, अपने मोबाइल का कैमरा है आजकल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं तो आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि काफ़ी आसान प्रोसेस है, तो आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर लौटूंगा। बाय।